हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है और एक्चुअल शेप अब क्या हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का हम देखते हैं कॉन्फिगरेशन जो है, यह है 286। थर्ड ऑर्बिट जो है ग्राउंड स्टेट के अंदर कैसा होगा, यह होगा 3s2 3p4। सल्फर टेट्राफ्लोराइड में चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि चार वैलेंसी है, और यहां पे 3p4 का मतलब हो गया सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब देखते हैं हम लोग। जैसे ये s हमने लिया तो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन p में ऑर्बिटल्स हमें लेने हैं तीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चार। तो देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे हम लेंगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी है फोर। इसका मतलब हमें एक बार ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाना होगा। तो यहां पे अब हम लेंगे एक्साइटेड स्टेट, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन फर्स्ट हम कब लिखते हैं, जब सेकंड थर्ड के भी चांसेस हों। तो यहां पे पी ऑर्बिटल जो है डी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s2 3p3 और 3d1। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं होता है, एक सब एनर्जी लेवल से दूसरे सब एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन चला जाता है और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही अनपेयर्ड होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल इसमें दो है, पी में तीन है और डी में वन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सल्फर में टोटल जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये देखिए दो दो चार और ये दो छः हो गए। छः होने के बाद देखिए हाइब्रिडाइजेशन सिंपल वे में कैसे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चार फ्लोरिन है, तो देखिए 1 2 3 ये चार फ्लोरिन, तो चार फ्लोरिन तो चार बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विदाउट बॉन्डिंग लोन पेयर, अकेले खुद ही पेयर है इनके पास। अब यदि मान ली हम यहाँ से देखें तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितना हो गया है, चार फ्लोरीन की वजह से बॉन्ड पेयर हो गया है चार। अब देखिए लोन पेयर है एक, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे कि आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टुगेदर, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, दोनों मिलाकर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कितना हो गया 5। और यदि 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल क्लियर है, sp3d, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अब हम इस एक्साइटेड स्टेट से कॉन्फिगरेशन बनाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह से होगा। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो sp3d से क्या होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन देखते हैं यहाँ पे और क्या डिविएशन आएगा हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे s जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन p में हैं और d ऑर्बिटल हमारे पास 5 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सिर्फ दो ही है। यहां पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और एक यहां पे, ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारा यहां पे, तो 2 3 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ऐसे करके। सेकंड एक्साइटेड में एक डी चला जाता है, यहां पे सिर्फ 3p3 और ये 3d1 हो गया है। हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है कि ये sp3d है, तो sp3d में कंप्लीट s, तीनों p और ये d यहां आ जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा sp3 dehybridization। अब sp3 dehybridization में जो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन है वो अलोंग द ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री के अनुसार होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे एक ट्राइगोनल बेस होता है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहले तो सल्फर देखिए, इसका लोन पेयर यहां आ गया, ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका एक बॉन्ड यहां पे फ्लोरीन के साथ, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये हो गया चौथा फ्लोरीन। अब ये देखिए ये जो है
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है लोन पेयर का वो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, चाहे लोन पेयर एक हो, दो हो, तीन हो, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर का पोजीशन यहाँ 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 ऐसा हो सकता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये पोजीशन अलॉट होता है। जितना मिनिमम रिपल्सन होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लोन पेयर की वजह से अब एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो तो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन अब लोन पेयर है तो पांचवा बाउंड तो बना नहीं, तब यहाँ पे हम कहते हैं ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है या तो फिर सीसा स्ट्रक्चर है, सीसा बच्चों के खेलने का। तो इस तरह से हम अभी यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पे यदि हम एस और इस तरह से हम ले रहे हैं, ये देखिए ये लोन पेयर इधर आ गया, तो ये जो बॉन्ड एंगल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 90 का, वो हो जाता है 89 डिग्री, और ये जो हम एग्जैक्टली ऊपर नीचे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करीब हो जाता है 177 डिग्री, ये हो गया 177 डिग्री, तो डिविएशन इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे जो है ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब मैं इधर ना रिप्रेजेंट करके मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसा करके, तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं लोन पेयर हटा देता हूँ, क्योंकि लोन पेयर यदि इधर है तो रिपल्सन से उधर चला गया और बॉन्ड एंगल जो है 180 की जगह 177 हो गया। तो इसको हम कहते हैं, पहले तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड, ये देखिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, या फिर कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। और ये जो है कैसा है, sp3d की वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो यहां पे होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो हो गया एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, लेकिन अब शेप कैसा है इसका, ये देखिए शेप जो है इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर हम कहते हैं सीसाई स्ट्रक्चर। अब सीसाई स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस तरह से होगा ना, लोन पेयर भी होगा यहां पे। तो इस तरह से जो है सीसाई स्ट्रक्चर का हम देख लेते हैं यहां पे ज्योमेट्री, लेकिन ट्राई एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और एक होता है शेप। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में जो एक्सपेक्टेड है वो लेते हैं, शेप जो रिपल्सन के बाद जो हमें मिलता है। तो इस तरह से जो है हम सीसा स्ट्रक्चर देखते हैं। अब एक मॉडल के थ्रू हम देखते हैं कि यहां पे किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आप, ये जो है पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सल पोजीशन है, जो ऊपर नीचे जो ब्लैक दिख रही है ये इक्वेटोरियल पोजीशन और उसके परपेंडिकुलर हो गया एक्सल पोजीशन। देखिए ये जो सफेद बीच में है ये बॉल जो है, ये है आपका सल्फर, और एक दो तीन और नीचे ये चार जो हैं फ्लोरीन, अलग अलग कलर क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है बॉन्ड एंगल। और यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये है लोन पेयर। अब आप देखिए ये हमारे डायग्राम के अंदर लोन पेयर ऐसा है। अब इस लोन पेयर की वजह से अब जब रिपल्सन होगा, देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, ये देखिए आप 90 डिग्री है, लेकिन इस रिपल्सन की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से रिपल्सन, अब ये ऐसा बेंट हो जाएगा, ये देखिए अब ये इस तरह से बेंट हो गया। तो ये जो एंगल है अब कितना हो गया 89, और ये जो ये देखिए ये पहले ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट 180 पे था, इस रिपल्सन की वजह से अब ये इस तरह से हो गया, तो अब ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया 177। तो वही मैंने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया कि ये 177 यहां से ऐसा हो गया और ये दो जो है 89 पे हो गया। तो इस तरह से जो है सीसा स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल SF4 के केस में होता है।